स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ इंद्रजीत कौर और इस वक्त की हरियाणा और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। शुरुआत हिमाचल प्रदेश से करते हैं। हिमाचल के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची हिमाचल कांग्रेस प्रभारी अंबिका सोनी की अध्यक्षता में हिमाचल कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें 2017 विधानसभा चुनाव के लिए मिशन रिपीट और संगठन और सरकार के बीच खराब होते जा रहे तालमेल पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में मीडिया को कवरेज की अनुमति नहीं दी गई थी। अंबिका सोनी ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लिहाजा सूबे में कांग्रेस किसे बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेगी इस पर बाद में विचार किया जाएगा। हालांकि उन्होंने वीरभद्र सिंह के साथ साथ चुनाव नेतृत्व में सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी नाम जोर शोर से लिया। आपको मालूम है 1 साल रह गया है हिमाचल में चुनाव आने के लिए, तो हमारी ये अब नीति है कि हम चुनाव की तैयारी जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। पार्टी को और मजबूत जहां करना हो, जहां हमारी सरकार है वहां हमारी जो उपलब्धियां रही हैं उनको हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं और हमारा अगले 5 साल के लिए हम जनता को क्या प्रॉमिस करते हैं, ये ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। सबकी राय लेकर फिर नेतृत्व के साथ बैठकर, और हिमाचल में बहुत सीनियर लीडरशिप भी है, यंग लीडर्स भी हैं, तो इन सब की राय अच्छा तालमेल है। मैं सबको मिलती हूँ, मैं बेशक यहाँ नहीं आई, मेरे जो कुलीग हैं सेक्रेटरी को प्रभारी हैं वो आते रहे हैं, जिलों में जाते रहे हैं और मैं भी लीडरशिप के साथ बराबर संपर्क में। बैठक में शामिल होने से पहले नेताओं ने संगठन और सरकार के बीच बेहतर रिश्तों का दावा तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बिगड़ते रिश्तों की बात दबे जुबान में बाहर आ गई। हालांकि खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू संगठन में परिवर्तन की बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। उधर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मामला दोनों बड़े नेताओं के बीच का कहकर इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा और जो 2017 का चुनाव है उसकी रणनीति तय की जाएगी। ये वो आम बैठक है जो साल में एक बार या 6 महीने में एक बार होती है। इसमें प्रदेश के सभी मिनिस्टर्स, सभी MLAs, सभी को भाग लेने का अधिकार है और निश्चित तौर पर जो भी फीडबैक होगा उस फीडबैक को ये लोगों तक पहुँचाकर अपने जो संगठन है उसमें समाहरित करके इसको आगे की रणनीति तय। तक अध्यक्ष पद को लेके कुछ नहीं चला हुआ है, मेरे ध्यान में तो है नहीं बात है, वो तो आप चीफ मिनिस्टर साहब को पूछिए, वही उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि सुक्खू जी है दफ्तर में भी काम कर रहे हैं, फील्ड में भी जा रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारी प्रभारी है वो उसके बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू। तो हिमाचल कांग्रेस की अहम बैठक हुई और अध्यक्षता जो है वो प्रभारी अंबिका सोनी ने की। क्या कुछ रहा बैठक में खास ये जान लेते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं। मोहित, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, क्या निकल कर आया बाहर बैठक से। देखिए, जो बैठक में जो मुख्य मुद्दा वो यही था कि किस तरह से संगठन को मजबूत बनाया जा सकता है, उसके लिए कई पहलू जो है बैठक में शामिल किए गए थे। पहले ये देखा गया कि क्या यहाँ पर जो गुटबाजी या मतभेद चल रहे हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जा सकती है, अगर की जा सकती है उसके लिए किस तरह के प्रयास जो है वो किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर बड़े नेताओं में जिस तरह से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के हिमाचल में और साथ ही मुख्यमंत्री जो वीरभद्र सिंह जो है उनके बीच पिछले काफी समय से मतभेद चला आ रहा है, जो सेक्रेटरीज की नियुक्तियां की थी उसके बाद जो है वो विवाद उनके बीच जो है वो जारी है और ऐसे में वो विवाद आगे ही बढ़ता चला गया। इसके बाद संगठन में बदलाव की जरूरत महसूस हुई, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जो है वो खुद कहा कि संगठन में बदलाव जरूरी है और हाई लेवल पे बदलाव जरूरी है। हाई लेवल मतलब सीधा इशारा सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से था। दूसरी तरफ जो है वो सुक्खू का ये कहना है कि इसके लिए जो है संगठन में अगर कोई नियुक्तियां की गई है तो उसके लिए जो AICC है उसकी मंजूरी जरूरी है जो की गई। तो ऐसे में ये विवाद बढ़ता रहा और अब जो है क्योंकि चुनाव अगले साल होने हैं यहाँ पर, तो
कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये घातक हो सकता है अगर ये मतभेद इसी तरह से जारी रहे, क्योंकि उसके बाद से कांग्रेस हिमाचल जो है वो कई धड़ों में बढ़ सकती है, यानी जो ग्रुपिज्म है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। क्या ये अंबिका सोनी के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं बन जाएगा आने वाले चुनावों में सबको एक साथ लेकर चलना? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है संगठन के लिए कि हिमाचल प्रदेश में सबको एक साथ लेकर किस तरह से आगे चला जा सकता है, क्योंकि ये जो मतभेद है ये छुपे नहीं है, ये मीडिया में सामने आए खुलकर के और अब जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। चुनावी वर्ष जिस तरह से मैंने कहा कि शुरू होने ही वाला है, अगले साल चुनाव है हिमाचल प्रदेश में, तो ऐसे में संगठन के लिए बेहद जरूरी है कि अगर कोई मतभेद है तो उन्हें अंदर भीतर खाते जो है वो सुलझा लिया जाए, नहीं तो ये कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चुनावों में जो कांग्रेस मिशन रिपीट का नारा लेकर चली है आगामी चुनावों के लिए, तो उसके लिए ये जो मतभेद है इन्हें मिटाना जो है वो दूर करना जो है वो बेहद जरूरी है कांग्रेस के लिए। बीजेपी लगातार निशाना साध रही है कांग्रेस पार्टी पर इसी मुद्दे को लेकर के कि मतभेद है और गुटबाजी चल रही है, और दूसरी तरफ जो है अंदरूनी लड़ाई जो है वो भी कांग्रेस में जोरों शोरों से चल रही है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस जो है उसे इस मतभेदों को जो है दूर करने में कामयाबी हासिल करती है, और साथ ही जो संगठन है और सरकार उसके बीच जो तालमेल बेहद बिगड़ चुका है, खराब हो चुका है, उसे लेकर के भी अब जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और अब ये बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि एक चुनौती रहेगी कांग्रेस हाईकमान के लिए भी कि किस तरह से सॉफ्टली वर्क किया जाए। जैसे चुनौती अभी चुनाव नहीं है, चुनावों से पहले जो गुटबाजी है कांग्रेस में वो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस जानकारी के लिए। तो इस चुनौती से निपटने के लिए हिमाचल कांग्रेस क्या करती है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, तमाम अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे।